तो अभी तो आराम मिला है। चार पाँच हफ्ता का बाद इनका ऑपरेशन होने वाला है। ये फूट के दोस्तों इसके अंदर में जितना भी ब्लड स्लाड पूरी और ब्लडिंग होने का बाद ये जो पैखाना का नली है यहाँ से भी ब्लड जाने का जाएगा बोल। हे दोस्तों नमस्कार, शेवार हो तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ तिनसुकिया मेडिकल, भाई को खाना पहुँचाना है तो अभी मेडिकल जाकर पता चलेगा कि डॉक्टर ने क्या कहा, ऑपरेशन करना है या नहीं करना है और करना भी है तो कब करना है। दोस्तों तो चले जाकर पूछते हैं डॉक्टर से क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ये देखिए मेरा बैग सब रेडी है और कुछ काम भी है तिनसुकिया पर, अगर मौका मिले तो वो काम भी कर लेते हैं। तो लेट्स गो दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। तो दोस्तों अभी थोड़ा बीबी का मोबाइल ख़राब हो गया है, फ़ोन सोन सब आ रहा है लेकिन ऑन नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा है कौन फ़ोन कर रहा है नहीं कर रहा है, फ़ोन रिसीव भी नहीं हो रहा है। तो अभी वो मोबाइल ले जाना है, देखते हैं समय मिला तो वो भी बनाते हैं। दो कहीं इधर से निकला, कहाँ घुसा रहा ये अंदर में टेडू का पास, कुछ काम रहा क्या, क्या काम है, माल किलर माल, क्या माल, गांजा गांजा, उरी बाबा, तो गांजा पी के निकल रहा है भाई, तो भूख भूख लग रहा है, एक गिलास सतुआ पी लेते हैं। और ये है मोबाइल, ये चार्ज है इसमें, तो इसे भी ले जाना है बनाने के लिए। ए भीतरों पे नहीं फूटा ही दिखो चाहिए तो ये पार्ट हो गया छ, सब ठीक छ, फंक्शन आउ छ, नो करो ना तीन दादी नाता ना, ये टेंपर गिलास हो नी ती तिर के नाता ना फिर पे नी, ओ भीतरों फूटी रहा है सब, होई रखो छोड़ दो। तो दोस्तों ये मोबाइल हो गया 10 बार जैसा बनाया हुआ और अभी देखिए टेंपर ग्लास तो फूटा फूटा, ये अंदर भी फूट गया है देख सकते हैं। अभी इसमें भी लगभग 1300-1400 का खर्चा। तो दोस्तों मैं अभी निकल चुका हूँ तिनसुकिया के, और कोई एक बात बता दूँ, ये भाई का बुलेट है और इसमें लगा हुआ है एक्स्ट्रा साइलेंसर, और ये साइलेंसर मोटो कंपनी का है। 5-10 मिनट के लिए इसका साउंड तो ठीक ही है लेकिन अगर ज़्यादा लॉन्ग राइड करे तो कान में बहुत ही बड़बड़ बड़बड़ आवाज़ करता है भाई, क्या ही बताएं। और यहाँ पर हर जगह चंदा चंदा, कितना चंदा दे इन लोगों को यार, एक तो पैसा नहीं है, मेडिकल में एडमिट है बीमारी, और सिर्फ चंदा ही मांगने वाला, चंदा मांग मांग के इरिटेट कर देता है भाई, क्या ही बताएं। अभी आगे और 2-3 मिलेगा चंदा मांगने वाला, परेशान हो गया हूँ भाई ये रास्ता चल के चंदा दे दे के। फिलहाल दोस्तों मैं कह रहा था ये जो साउंड है थोड़े देर के लिए तो अच्छा लगता है चाल मारने के लिए, लेकिन ज़्यादा देर तक कान में इसका आवाज़ आए तो इरिटेट हो जाता है भाई। मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी अगर बाइक ले रहा है तो जो कंपनी फिटेड आता है वही साइलेंसर लगाएं, ये एक्स्ट्रा साउंड ना करें क्योंकि तेल भी बहुत जलता है इस तरीके से साइलेंसर लगाने से, और बाइक का इंजन भी थोड़ा लाइफ कम जाता है, तो इसीलिए अवॉइड करें तरीके का साइलेंसर लगाने के लिए भाई। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है ये भर भर साउंड। और आज का मौसम थोड़ा सुहाना है देख सकते हैं, उतना गर्मी भी नहीं है, लगभग 33-35 हो सकता है आज का टेम्परेचर, तो बहुत ही शांत है। दोस्तों कल शाम को आते समय में मेरा बहुत ही ज़्यादा लॉस हो गया क्योंकि एक बैग पर कपड़ा था, भाई का कपड़ा, 2 पैंट टी शर्ट और थोड़ा कुछ सामान बाइक का पीछे में वो बांधा हुआ था, पता नहीं कहाँ पर गिर गया पता ही नहीं चला भाई। दिन अगर ख़राब चले ना तो कहीं ना कहीं से अननेसेसरी लॉस हो जाता है भाई, क्या ही बताएं। ये देखिए दोस्तों, 2 तो मिला और एक मिल गया, कितना चंदा दे इन लोगों को। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं बहादुर चराली, और यहाँ पर ये रोड बनते हुए तो इसीलिए यहाँ पर जाम लगा हुआ है। अच्छा है जल्दी जल्दी ये रोड बनाऊँ भाई, बहुत ही ख़राब हो चुका था ये रोड, क्या ही बताएं, और कुछ इस तरीके से जाम ऐसा हो।
तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं ये टेंगराई ब्रिज, और देख सकते हैं ये भी शमशान भी है एक, और यहाँ पर लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है। और आप देख सकते हैं ये जो खाली प्लॉट है इस साइड, ये था एक समय में कचरे का पहाड़ ये, और अभी देखिए दोस्तों ये पूरा बाउंड्री वॉल लगाया जा रहा है और कचरे का पहाड़ कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला। और देख सकते हैं ये अभी सब ये बहुत ही गड्ढा था, ये फिलअप हो गया कचरा से और अभी यहाँ पर इस तरीके से घर बन रहा है भाई, और कुछ दिनों में यहाँ पर बिल्डिंग भी बनेगा। और ये शिवपुर है दोस्तों, और यहाँ पर थोड़ा आगे एक सेंट लुक्स हॉस्पिटल था दोस्तों, और वो हॉस्पिटल फ़िलहाल अभी बंद हो चुका है, और वहाँ पर अभी फ़िलहाल रह रहा है पुलिस, और ये एक पुलिस स्टेशन बना दिया है सब ब्रांच। तो अब देख सकते हैं ये है सेंट लुक्स, ये सेंट लुक्स हॉस्पिटल तिनसुकिया, और यहाँ पर देख सकते हैं अंदर में पुलिस स्टेशन बनाया गया है। आप लोग अगर जानते हो यहाँ पर कितना साल से ये पुलिस स्टेशन बना हुआ है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, क्योंकि प्रॉपर मुझे पता नहीं कब से ये पुलिस स्टेशन यहाँ पर लगाया गया है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं तिनसुकिया, और ये रहा तिनसुकिया का ट्रैफिक। फ़िलहाल अभी एक बज रहा है, और एक बजे कुछ इस तरीके से है ट्रैफिक, देख सकते हैं। शाम को बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाता है क्योंकि हर कोई अपना अपना ऑफिस काम दुकान से छुट्टी करके घर जाता है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है। फ़िलहाल अभी दिन में इतना खाली है, देख सकते हैं। गांव में इतना ज़्यादा गर्मी है नहीं, लेकिन ये तिनसुकिया टाउन में गर्मी का महसूस थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ये रहा RCM मेमोरियल हॉस्पिटल। तो दोस्तों अभी पेशेंट खाना खा रहा है और समय हो चुका है 1:20। यहाँ पर आज का खाना है इसका आलू मटर का भाजी और अंडा, देखो। और अभी इनका 3 टाइम सिर्फ इंजेक्शन चल रहा है, देखते हैं आज डॉक्टर से बातें करके छुट्टी मिलता है या नहीं, और अगर और भी कितना दिन लगाना है तो घर में ही जाके लगा लेते हैं इंजेक्शन, दवा वगैरह सब लेके चलते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग चले भी गया है, और बहुत सारे लोग आते ही जा रहे हैं, और दिगल रंग बगान से आया हुआ है। छुट्टी कब को मिलेगा आपको? छुट्टी कब मिलेगा? अभी नहीं, 6 दिन, 5-6 दिन हो गया मतलब। तो अभी तो आराम मिला है, आराम मिला है ना, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आराम होके घर जाइए भाई। मोबाइल वोबाइल चार्जर वार्जर पसाइस। तो दोस्तों अभी 4 बज चुका है, और 4 बजने वाला है, और हम लोगों का छुट्टी दे दी अब बीमारी को, क्योंकि सिर्फ इंजेक्शन चल रहा था, अभी घर जाने के लिए छुट्टी ले लिया, और घर पर इनका दवा सिर्फ चलेगा, और 1 हफ्ते के बाद बुलाया है यहाँ पर चेकअप, री चेकअप में, और इनका लगभग 4-5 हफ्ते का बाद इनका ऑपरेशन होने वाला है। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। इनका तो हेलमेट भी नहीं है, और हेलमेट ना होने का वजह से शायद ट्रैफिक पुलिस थोड़ा दिक्कत करने वाला है, देखते हैं क्या होगा। तो अभी मेडिकल को करते हैं टाटा बाय बाय। इस साल मेरा तो हालत ख़राब हो गया है भाई, मेडिकल मेडिकल मेडिकल, ज़िंदगी बर्बाद हो गया है मेडिकल में। अभी इसका बड़बड़ बड़बड़ सुन के दिमाग ख़राब हो जाएगा भाई, तो मुझे पसंद नहीं है ये बड़बड़ाते हुए जाने के लिए। चल बस। तो बाकी काम तो दोस्तों कर नहीं पाए, और अभी फ़िलहाल इसे लेकर चलते हैं घर, और भी दूसरे दिन आकर जो काम है वो निपटाना पड़ेगा। अभी थोड़ा यहीं पर ही थोड़ा दिक्कत होने वाला है, शायद ट्रैफिक पुलिस अगर रुकाए तो बताना पड़ेगा उनको कि हम लोग मेडिकल से डिस्चार्ज होकर आए हैं। तो देखते हैं क्या होता है आगे। अरे भाई जगह तो दे। भैया ये दवा दीजिए। तो
तो दोस्तों अभी हम लोग ट्रैफिक से तो निकल गए और आगे देखते हैं, आगे वहाँ पर एक चेक इन था ओवर ब्रिज, वो ब्रिज का सामने देखते हैं वहाँ पर अभी चेक इन है या नहीं है, वहाँ पर तो है अभी रुकाएगा या नहीं देखते हैं भाई। नहीं रुकाया तो अभी टेंशन नहीं है, अभी सीधा जा सकते हैं। तो दोस्तों घर पहुंच चुका हूं और डॉक्टर ने क्या कहा चलिए बता दें आप सभी को। तो ये देखिए दोस्तों, ये डॉक्टर ने बना के दिया है यहां पर, आज जो आप दिख रहे हैं ये एक कार्टून टाइप बना के दिया है, ये है उसका पिछवाड़ा ठीक है ना, और ये है पिछवाड़ा और ये है नली इस तरीके से दिखाए, और ये है अपेंडिस ठीक है, और उसका बाद ये अपेंडिस यहाँ पर फूट के, ये फूट के दोस्तों इसके अंदर में जितना भी ब्लड स्लड पूरे जितने भी निकला हुआ है वो इस तरीके से फैल गया है ठीक है ना, तो इस तरीके से फैल गया है। और ये चीज़ अभी अगर ऑपरेशन करता है तो बहुत सारा ब्लडिंग होगा, और ब्लडिंग होने का बाद ये जो पैखाना का नली है यहाँ से भी ब्लड जाने का जाएगा बोल के बताया गया। तो उसका बाद इसका सोल्यूशन क्या दिया, 2-4-5 हफ्ता का बाद इनको ऑपरेशन करना है बोल के बताया, क्योंकि अभी दवा इंजेक्शन चल रहा है ये सूखने के लिए, और ये भी थोड़ा सूख जाएगा अंदर में तब ये ऑपरेशन करेगा, कुछ इस तरीके से बताया गया है। तो फिलहाल दोस्तों एक हफ्ता का बाद बुलाया है चेकअप पर, और एक हफ्ता का बाद जाते हैं और फिर शायद फिर से अल्ट्रासाउंड करने को देगा, तो अल्ट्रासाउंड करने का बाद ही पता चलेगा कि ये अभी क्या स्टेप लेना है ना। तो ये दोस्तों अपडेट मेरा भाई का, तो अभी फ़िलहाल बहुत सारा अभी भी काम पड़ा हुआ है वो अभी करते हैं। तो भाई को सपोर्ट करना है तो लाइक कॉमेंट से सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नए दिन नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय आसाम।